बात झारखंड की। झारखंड में सियासत काफी तेज हो चुकी है। महागठबंधन के सभी विधायकों को रांची से बाहर ले जाने की पूरी तैयारी है। 3 बसों में विधायक आज दोपहर सीएम आवास से निकल चुके हैं और अभी सस्पेंस है कि सभी को कहां रखा जाएगा, यानी कहां लेकर जाया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक कूटी के किसी रेस्टोरेंट में भी शिफ्ट हो रहे हैं ये विधायक। जानकारी ये भी है कि रायपुर भी उनको लेकर जाया जा सकता है, क्योंकि रायपुर के एक होटल में जिसका नाम माई फेयर है उसमें भी तैयारी है और सुरक्षा व्यवस्था वहां पर चाक चौबंद हो रही है और जो नई एंट्री है उस पर भी बैन लगा दिया गया है। तो कांग्रेस ने रांची में अपने एमएलए की बैठक बुलाई है, लेकिन ताजा घटनाक्रम के बारे में चलिए जानते हैं। अपडेट हासिल करने के लिए अशोक सिंघल हमारे सहयोगी लगातार रांची में मौजूद हैं, उनका रुख करते हैं। अशोक, अभी क्या जानकारी मिल रही है, क्या है ताजा जानकारी, क्या है अपडेट? देखिए, 3 बसों में भर करके तमाम महागठबंधन के जो विधायक हैं, एमएलए हैं और साथ में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है, लतरातू एक जगह है रांची से 40 किलोमीटर दूर खूंटी में, वहां पर वो जा रहे हैं एक रिजोर्ट में, वहां खाना खाएंगे, रहेंगे शाम तक और जो उसके बाद वापस आएंगे। पहले छत्तीसगढ़ जाने का प्लान था, लेकिन हालांकि कपड़े उनके पास है, बैग हैं और जो अपनी अपनी गाड़ियों में बैग रखकर आए थे सामान वो लेकर गए हैं, कपड़े उनके साथ हैं, लेकिन अभी तक की जो प्लानिंग है उनकी लतरातू वो रहेंगे वहां पर शाम तक और उसके बाद कांग्रेस विधायक दल की बैठक बुलाई गई। अविनाश पांडे जो झारखंड के प्रभारी हैं, सभी विधायकों की 8:30 बजे रांची में बैठक होगी और अभी तक यही प्लान है। हालांकि सुबह से खबरें आ रही थी कि वो छत्तीसगढ़ जाएंगे, छत्तीसगढ़ तमाम महागठबंधन के विधायक वहीं पर रहेंगे, लेकिन अभी तक की जानकारी के मुताबिक वो झारखंड के लतरातू में ही शाम तक रहेंगे, अभी तक उनका यही प्लान है। उसके बाद आगे की रणनीति पर चर्चा होगी, आगे क्या करना है। हालांकि छत्तीसगढ़ में भी प्लानिंग की गई है, छत्तीसगढ़ में भी वो जा सकते हैं, लेकिन आज वो लतरातू में ही रहेंगे, उसके बाद रांची आएंगे कांग्रेस के विधायक जैसे मैंने कहा। लेकिन 11 बजे से ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के घर पर महागठबंधन यूपीए के विधायकों का जुटना शुरू हो गया था। वहां के जो नेता हैं तीनों पार्टियों के वो जुटने शुरू हो गए थे और उसके बाद करीब 1.5-2 घंटे की मीटिंग के बाद जो बसें मुख्यमंत्री निवास में थी पहले से मौजूद थी उन बसों में तमाम विधायक बैठ बैठ के पिछले दरवाजे से लतरातू की तरफ चले गए हैं और अभी तक वो लतरातू की तरफ ही जा रहे हैं और वहां पर वो रुकेंगे और सबकी नजरें गवर्नर के ऊपर है कि गवर्नर की तरफ से क्या फैसला आता है डिस्क्वालिफिकेशन को लेकर के, तो सबकी नजरें उसी पर टिकी हुई है। इसीलिए जो महागठबंधन है यूपीए उनकी तरफ से यही कोशिश है कि एक मैसेज दिया जाए कि महागठबंधन के तमाम विधायक एकजुट हैं और सबने ये कहा भी है कि हम इंटैक्ट हैं और जो भी मुख्यमंत्री अगर डिस्क्वालिफिकेशन की बात आती है हेमंत सोरेन को इस्तीफा देना पड़ता है तो मिलकर ही विधायक दल के लोग तय करेंगे कौन मुख्यमंत्री बनेगा, चाहे किस पार्टी का होगा, लेकिन जेएमएम की कोशिश ये है कि उन्हीं के परिवार से मुख्यमंत्री बने। अगर ऐसी नौबत उधर राजभवन के सूत्र क्या बता रहे हैं, कब तक ये फैसला आ सकता है? राज्यपाल चूंकि टाइम ले रहे हैं, बहुत सारी चीजों पर गहन मंथन हो रहा होगा, लेकिन फैसला कब तक आने की संभावना है? आज आएगा या आज अगर आएगा तो कब तक, कितने वक्त और लग सकते हैं? देखिए, उम्मीद की जा रही है कि आज आ जाना चाहिए। कल भी बहुत उम्मीद थी कि गवर्नर की तरफ से, कल इलेक्शन कमीशन की तरफ से आ गया था परसों ही और गवर्नर लीगल एक्सपर्ट से राय ले रहे थे, उम्मीद थी कल आना चाहिए था, लेकिन कल भी नहीं आया। आज भी उम्मीद ही कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं शाम तक ये फैसला आ सकता है हेमंत से ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को लेकर के, तो उम्मीद की जा रही है कि आज फैसला हो सकता है, क्योंकि बीजेपी के कुछ नेताओं से बात की, उनका भी ये कहना था कि फैसला आ जाना चाहिए और कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं राजेश ठाकुर, उन्होंने भी कहा था कि गवर्नर को जो भ्रम की स्थिति है उसको दूर कर देना चाहिए, जल्दी से जल्दी फैसला देना चाहिए क्योंकि काफी समय हो गया। जो भी स्थिति बनेगी उसके हिसाब से हम लोग तैयार हैं, आगे की रणनीति हमारी तैयार है, लेकिन अब गवर्नर के ऊपर है कि वो कैसे क्या फैसला देते हैं, कब इसकी घोषणा होती है।